हेलो गेमर्स, तो कैसे हैं आप लोग। वो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका तुम्हारे भाई के चैनल पे, जिसका नाम है ग्रेनेड किलर्स गेमिंग। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन दो बहुत ही अच्छे मैप के बीच में। पहला मैप है आउटपोस्ट और दूसरा है मिनी आउटपोस्ट। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 70 लाइक, बोले तो 70 लाइक्स। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ ये भी कमेंट कर देना कि अगली वीडियो आपको कौन से दो मैप के बीच में कंपैरिजन चाहिए, इससे मुझे भी एक नया टॉपिक मिल जाएगा। तो ज़रूर कमेंट में करके बताना कि अगला कौन से मैप के बीच में आपको कंपैरिजन चाहिए। तो भाई लोग फटाफट सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो और अच्छा सपोर्ट दिखाते हो। तो भाई लोग, हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे बिना किसी देरी के। तो भाई लोगों, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आउटपोस्ट मैप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो भाई लोग जैसा कि आप सबको पता है, जो आउटपोस्ट मैप है वो बहुत ही बड़ा है, ऊपर से लेके नीचे तक। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। एक तो ये है, और सबसे दूसरी बात, इसमें जो मैच हम खेलते हैं वो खेलते हैं 5 मिनट्स का। जी हाँ दोस्तों, इसमें 5 मिनट से कम मैच मिनट का कोई गेम नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इसमें खेलोगे तो आपको 5 मिनट्स का हर मैच खेलने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसमें आपको हर तरह की गन्स भी देखने को मिल जाती है, चाहे वो पिस्टल्स हो, राइफल्स हो, या स्नाइपर हो, या शॉट गन हो। जी हाँ दोस्तों, आपको हर तरह की गन्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये मैप जो है, वैसे तो मेरा फेवरेट है, आपका है कि नहीं आप ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। ज़रूर कमेंट करना कि आपका फेवरेट मैप कौन सा है, मेरा तो आउटपोस्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ये मैप बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा फेमस मैप भी है। अगर कोई किसी से बंदे भी से आप पूछोगे ना कि मैंने मेरे समय कौन सा मैप खेलना है, तो पहले तो वो आउटपोस्ट ही बोलता था, अब बहुत सारे लोग स्नाइपर आउटपोस्ट भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन की मिनी आउटपोस्ट से, तो दोस्तों देखो, आउटपोस्ट हमारा बहुत ही बड़ा मैप है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसमें कोई भी मैच आप खेलोगे तो वो आपको 5 मिनट्स का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये है सबसे बेस्ट। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें आपको हर तरह की गन्स देखने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हर तरह की गन्स, उसमें पिस्टल, राइफल, स्नाइपर, सब कुछ होता है। और जो अगली बात है वो ये है कि अगर आप मेरी तरह नूब प्लेयर हैं तो इस मैप में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे बंदे आते हैं खेलने के लिए। अगर आप कोई भी मैच लगाओगे तो उसमें आपको हाई रैंक वाले बंदे देखने को मिलेंगे, और इस मैप को अगर आप खेलोगे तो इससे आपके स्किल्स भी अच्छे होंगे। ये तो मेरा वो है जो बताते हैं ना, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप आउटपोस्ट मैप को खेलते हो तो आपका स्किल्स बहुत ही अच्छा होगा और आपका गेम प्ले में भी काफ़ी सुधार आएगा। तो ये हम बात कर रहे थे आउटपोस्ट मैप के बारे में। तो चलिए भाई लोग, अब हम बात कर लेते हैं हमारा अगला मैप मिनी आउटपोस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो मिनी आउटपोस्ट भी बहुत ही अच्छा मैप है। सबसे पहला जो इसका जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको हर मैच में बस 3 ही मिनट मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी मैच खेलो, 3 मिनट में वो मैच कंप्लीट हो जाता है, और बहुत ही जल्दी जल्दी इसमें आप गेम प्ले कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और सबसे दूसरा पॉइंट ये भी सबसे अच्छा है, अगर आप नए प्लेयर हो या पुराने प्लेयर भी हो, तो मिनी आउटपोस्ट में ज़्यादातर अच्छे बंदे नहीं आते, बहुत सारे नूब बंदे आते हैं जिन्हें मार के भी आप अपना लेवल ग्रो अप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को अपना लेवल जल्दी जल्दी फास्ट ग्रो करना है तो ये बेस्ट ट्रिक है कि आप मिनी मिलिशिया का कोई भी मैच अपना जो भी है मिनी आउटपोस्ट में खेलो। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका लेवल फटाफट ग्रो होगा। मैंने अपनी UG भी ऐसे ही खोली है इसमें खेल खेल के। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप बैटल पास भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको मिनी आउटपोस्ट में खेलना चाहिए, क्योंकि इसमें बस 3 मिनट के ही मैच होते हैं। तो मिनी आउटपोस्ट के बारे में बात कर ले तो दोस्तों, इसमें बस 3 मिनट के मैच होते हैं और इसमें हमें बस 2 या 3 ही गन देखने को मिलते हैं, एक UG, एक पिस्टल और एक टैवर, ये दोनों हो गए राइफल। जी हाँ दोस्तों, बस 3 ही गन देखने को मिलते हैं, और ये मैप का साइज़ भी बहुत ही छोटा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैप ये है नहीं आउटपोस्ट की तरह। जी हाँ दोस्तों, तो अगर मैं सजेस्ट करूं तो दोनों मैप में से सबसे अच्छा मैप अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो वो मिनी आउटपोस्ट है। आपको कौन सा बेटर लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। मेरे लिए तो मिनी आउटपोस्ट अभी भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें बोट्स आते हैं, बस इसीलिए कि उसमें टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग्स है। अगर आप आउटपोस्ट में खेलते हो 1 मैच तो मिनी आउटपोस्ट में आप खेलोगे 2 मैच। हाँ दोस्तों,
ठीक है, और उसमें बहुत सारे बंदे कभी कभी लेफ्ट भी कर जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ऐसे और भी कंपैरिजन चाहिए, जिस मैप का भी कंपैरिजन चाहिए, तो उसका आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसे वीडियो बनाऊंगा। और अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।